मुझे थोड़ा सा उसका आइडिया नहीं है, लेकिन हमें जो बताया गया है कि ये जो कोचेज हैं ये पूरा काम जो है वो हमारे सेंटर में उसमें काम करेंगे। डेफिनेटली आप अगर नदीम भाई से पूछें या जुनैद भाई से पूछें वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और देखें सर, टैलेंट तो ऑब्वियसली है, टैलेंट देखें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ऑब्वियसली पीसीबी की जो टीम थी उन्होंने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया और सारे वो डोमेस्टिक के प्लेयर जो कि डेटा के थ्रू और 3 साल की जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई थी उन्हीं को कुछ क्राइटेरिया पे लेके आए, उसके बाद फिर हम सबने मिलकर एक टीम जो है वो सिलेक्ट की है सबकी। जो लड़के इस टाइम खेल भी रहे हैं या जो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं क्रिकेट खेल चुके हुए हैं, तो आपके नज़दीक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो टीम 1-2 साल पहले परफॉर्म कर रही थी अचानक से 360 डिग्री का टर्न हो गया, टीम बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रही है, चाहे कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हो, होम सीरीज हो, अवे सीरीज हो, तो कौन सी प्रॉब्लम है, क्या आपने उसको समझा, इस प्रॉब्लम को अब तक किस तरह उसको हल करेंगे चैंपियंस कप के जरिए? देखिए भाई, बहुत माजा के साथ आपने सवाल अच्छा पूछा, लेकिन मैं राइट बंदा नहीं हूँ वो जवाब देने के लिए, और वैसे ही मैं चैंपियन कप के लिए बैठा हुआ, तो अगर आप मुझसे उसके बारे में सवाल कर देंगे तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बता दूँगा। अगर आपको उसके बारे में सर मेंटोर कर रहा हूँ ना, मैं चैंपियन डोमेस्टिक की मेंटोरिंग कर रहा हूँ, पाकिस्तान टीम की मेंटोरिंग नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली देखें यार, चीज़ें बेहतर होंगी, बात देखें इसमें, देखें इसमें हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर सारे मीडिया के बहुत सारे वो लोग बैठे हुए हैं जिनको मैंने भी बहुत बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, तो देखें अब ये सबकी एक कलेक्टिव एफर्ट है, अब टीम को बैक करना पड़ेगा। देखें जो भी है हमारी पाकिस्तान की टीम है, ऑब्वियसली देखें बुरा टाइम ज़रूर चल रहा है, लेकिन देखें जब बुरा टाइम आता है तो बुरा टाइम भी नहीं आता तो अच्छा टाइम भी आज इंशाल्लाह आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि होपफुली पाकिस्तान टीम जो है वर्ल्ड क्रिकेट में कमबैक करेगी और अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देगी आगे इंशाल्लाह। सरफराज भाई, अभी आपने कहा है कि आप चैंपियंस कप खेलेंगे, अभी आप टीम में भी शामिल हैं पाकिस्तान की टीम में, तो आपको नहीं लगता ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जाके हो जाएगा कि जिनके साथ आप खेलेंगे पाकिस्तान टीम में वही आपके अंडर खेलेंगे, तो आप कैसे उनको कहेंगे यार जाके इधर फील्डिंग कर या वहाँ पे फील्डिंग कर? मैं नहीं कहूँगा। और फिर देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, एक हमारी प्रॉपर टीम होगी, कैप्टन होंगे, देखें ग्राउंड के अंदर वो जो लोग हैं, ग्राउंड के अंदर जो कैप्टन होगा वो सारा इंचार्ज होगा और वही सारे कुछ करेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि हम कोशिश ये करेंगे कि कैप्टन उन्हीं को बनाए, कैप्टन और वाइस कैप्टन जो कि आगे जाके जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान के लिए शायद वो कैप्टनशिप के लिए भी उम्मीदवार हों, तो ऐसी प्रोडक्ट मौजूद होना कि भाई अगर आपको कैप्टन ढूंढना है तो यार ठीक है इस टीम में ये लड़का था, इस टीम में इसी कप्तानी की तो वो लड़के होंगे। बाकी देखें टीम होगी ज़बरदस्त, अच्छी कोचेज होंगे, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि सब ने वो कोचेज सिलेक्ट किए जो कि ग्राउंड लेवल पे 19-16 या शाहीन लेवल पे काम किया हुआ, तो अच्छी टीम होगी, मिलके कोशिश करेंगे अच्छा काम करें। बाकी आप बेफिक्र रहें कि किसी को डांट डपट नहीं होगी ग्राउंड के अंदर, बतौर मेंटोर और खिलाड़ी उसके अंडर खेलेंगे। प्यारे भाई देखें, मैंने यही बोला कि कैप्टन वही होंगे जो कि जिन्होंने आगे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है और परफॉर्म करना है, तो बिल्कुल आप देखेंगे हर टीम में इंशाल्लाह वही लड़के कैप्टन होंगे या वाइस कैप्टन होंगे जो आगे जाके पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। सरफराज, आपको चैंपियंस कप की टीम डॉल्फिन्स मिली है सर, तो आपने जिस तरह कहा कि अभी मैंने मेरी क्रिकेट बाकी है खेलूंगा, तो जिस तरह ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं, क्या उसमें भी आप शरीक होंगे? सर मुझे बुलाएंगे तो बिल्कुल मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर मुझे बुलाएंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिटनेस टेस्ट देने के लिए तो सर मैं अवेलेबल हूँ। सरफराज भाई जी सर, अच्छा ये बताइए कि हमारा ये कल्चर कब चेंज होगा, क्या चैंपियंस कप वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के दरमियान जो गैप है कि हमारे डोमेस्टिक परफॉर्मेंस आते हैं इंटरनेशनल पे लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाते, हम यही कहते रहते हैं कि इंटरनेशनल अभी सीख रहा है, तो क्या वो इस डोमेस्टिक ये जो चैंपियंस कप है वनडे कप या जो भी डोमेस्टिक आगे टूर्नामेंट होनी है, क्या ये वो गैप फिल कर पाएगा कि हमारी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी तरह आके इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करें? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं कि गैप होता है हमारा। देखें बिल्कुल, देखें इसीलिए सारे लोग हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं या डोमेस्टिक में आके जो आगे जाके पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, तो आई थिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टेप बाय स्टेप कि अगर आप यहाँ पर खेलते हैं और वैसे टीवी पर सारे मैचेस आएंगे, लाइव मैचेस आएंगे, तो वो प्रेशर जो है वो वहाँ पे रहेगा। उम्मीद करते हैं कि क्राउड भी आए, क्योंकि क्राउड में खेलने का और डिफरेंट ग्राउंड में खेलने का बहुत ज़्यादा फर्क होता है, तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा एडवांटेज है तमाम प्लेयर्स के लिए कि क्राउड के सामने खेलेंगे। उम्मीद है कि फैसलाबाद में लोग आएंगे और मैचेस देखेंगे, और जहाँ तक रही बात प्रेशर की, तो ऑब्वियसली जो लोग साथ मौजूद हैं वो यही उनसे यही बात करेंगे कि प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि डिफरेंट ज़रूर होता है कि आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं और इंटरनेशनल में एक डिफरेंट होता है, तो हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि जो हमारे पास एक्सपीरियंस मौजूद है वो उनके साथ शेयर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सरफराज, रामिस हुसैन फ्रॉम पाक पैशन। सर सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप मेंटोर कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान की हर लेवल पे कैप्टनसी की है, अंडर 19 से अंडर 17 और PSL सब पे। इस वक्त पाकिस्तान टीम का मोराल भी गिरा हुआ है, फैंस का भी मोराल गिरा हुआ है, हम 1 साल से देख रहे हैं कि टीम ने परफॉर्म नहीं किया, फैंस का भी दिल टूटा हुआ है,
एक आखिरी बस सवाल ये है कि मैसेज क्या है फैंस के लिए कि आप क्या मैसेज देंगे कि चैंपियंस कप, क्योंकि फैंस भी फॉलो करेंगे साथ, डोमेस्टिक को देखेंगे क्योंकि अब जो हालात है टीम के, क्या आपका मैसेज है पाकिस्तान की आवाम के लिए भी, क्योंकि इस वक्त कोई हालात नहीं है टीम के, अच्छा आगे इंग्लैंड की सीरीज भी है, आगे बहुत सारी क्रिकेट है, चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो आपका क्या मैसेज होगा? थैंक यू सो मच सर। देखें बिल्कुल मैसेज मेरा बिल्कुल यही होगा कि देखें आप पाकिस्तान की टीम है, ऑब्वियसली मुश्किल टाइम जरूर है, लेकिन हम हमेशा जो है मुश्किल टाइम के बाद जो है ना हमेशा पाकिस्तान की टीम खड़ी होती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम कमबैक करेगी और चैंपियन कप का टूर्नामेंट हो रहा है, आपके तमाम सारे स्टार्स प्लेयर जो है वो इस टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे, तो मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी लोग हैं पहले तो कोशिश करें ग्राउंड के अंदर आएँ और अपने प्लेयर को सपोर्ट करें और मोटिवेट करें। देखें इस वक्त हम सब हमने सपने मिलकर इस वक्त जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है और आगे लेके जाना है, तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। देखें चीज़ें बेहतर लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम सब मिलकर काम करेंगे, तो उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में रिजल्ट अच्छे आएंगे।